राइस मिल पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में तकरार। नमस्कार, एफटीलाइव में आपके साथ मैं हरसिमरन कौर। राइस मिल पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर तकरार हो गई। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पुलिस ने एक पक्ष द्वारा कराया जा रहा निर्माण रुकवा दिया। बरखर रोड स्थित अमन राइस मिल पर बड़ी बकाया होने पर बैंक द्वारा की गई नीलामी में महानगर के व्यवसायी द्वारा खरीदा गया था, लेकिन इस नीलामी के बाद ही मिल के पूर्व स्वामी द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की शरण में पहुंचने पर उसे राहत मिल गई। मिल स्वामी ने बताया कि उसे बैंक द्वारा अदेय प्रमाण पत्र भी मिल गया, लेकिन विपक्षी ने अपनी पहुंच व धनबल के उपयोग से मिल पर कब्जा करने का प्रयास किया और मिल का नाम बांके बिहारी राइस मिल लिखवा दिया। इसी दौरान पूर्व मिल स्वामी नसीम पक्ष द्वारा सिविल न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया, जिस पर न्यायालय ने दिनांक 2 फरवरी को वादी के पक्ष में आदेश करते हुए प्रतिवादी पक्ष को वादी के कब्जे में दखल न देने के आदेश कर दिए, लेकिन विपक्षी द्वारा मिल परिसर में निर्माण कर कब्जा किया जाने लगा, जिसकी भनक लगने पर वादी पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। देर तक हुई नोकझोंक व तकरार के बाद पहुंची पुलिस ने न्यायालय के आदेशों के आधार पर निर्माण रुकवा दिया। कौन लोग थे आपके साथ? दो लोग थे, लेकर रहे थे। लड़की को भी मेरी खींचा था, यहाँ पर ही खड़ा था। क्या नाम है आपका? नीलम। यहाँ पे क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, हम रह रहे हैं यहाँ पे। रहती यहाँ पे? कौन लोग थे जिनने आपको खींचा था? रफी भैया थे, वो रफी भैया को नहीं तो जानते थे हम। रफी भैया, चलो छोड़ो। हमारा अपना काम चल रहा है, हमारी खुद की चीज है, बैंक से हमने ही खरीदी है। उसके बाद ये सुबह 10-12 लोग आए और इनसे पहले जो जिसकी ये जमीन थी, इससे पहले रफीक नाम है, हाँ रफीक भैया, वो आए सुबह घुस गए उसमें शटर में, उन लड़के साथ बदतमीजी भी कर रहे थे। ठीक है, आप कौन है यहाँ की? मालिक है। मैं मालिक हूँ यहाँ की भैया। कौन सा मिल है? क्या नाम है मिल का? बांके बिहारी। उसके बाद क्या हुआ, आपने कुछ तहरीर वगैरह दी? अभी जाके दूंगी, आज मैं थाने में जा रहे हैं। सारे कागज हमारे पास हैं, हम कोई उसमें विवाद में नहीं है भैया। पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आई है। मैंने खुद बुलाई है पुलिस यहाँ पे, जब ये लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। अब आप क्या चाहती हैं भैया? न्याय चाहते हैं और क्या चाहते हैं? गुंडागर्दी क्यों? लोगों को बंद करा जाए। आपने बंद करा दिया, मुझे इन पे मुकदमा लिखाना है। रफीक ने, रफीक ने, रफीक ने, आपने 15 लोग रफीक का भैया एक वो सामने खड़े मुफलर वाले वो भैया हैं, और रफीक और 4-5 इन्हीं के होंगे, वो खुद बताएंगे। जब पुलिस डंडा पड़ेगी तो अपना पता नहीं लोग है यार। मैंने शटर मैंने खोला जाके, बच्चे दोनों थे मेरे, लल्ली का हाथ पकड़ के बाहर कर रहा है, मैं भी पकड़े थी लल्ली को अपनी। कौन थे वो? मैं जानती नहीं थी भैया। मैडम आपका क्या नाम है? रेखा सिंह। क्या मामला था? कुछ नहीं भैया, हमारी चीज है, बैंक से ली हुई है, ऐसा भी नहीं इनसे ली हुई है। फिर 2-3 दिन पहले भी आए थे, तब भी इन्हें बदतमीजी वगैरह करी, हमने नहीं कही। 112 नंबर आई भी और चली गई, फिर वो समझा के नहीं, इनके समझ में नहीं आया। 10-12 लोग लेके ही आए, घुस गए यहाँ सफर में, मैं थोड़ी लेट हो गई, बस ये दिक्कत हो गई ना। क्या कह रहे थे आए तो तब? आए क्या कह रहे थे? यहाँ से हाथ पकड़ के निकलो बाहर यहाँ से। कौन आए थे? यही, क्या नाम उसका? क्या नाम है भैया इसका? रफीक। रफीक भैया थे एक, और उनके साथ में उनके भैया आते हैं। इनका क्या आरोप है? ये क्या आरोप लगा रही है? ये आरोप कहाँ लगा रही है, तो बता रही है कि मेरे साथ बदतमीजी करी है। ये आरोप नहीं लगा रही है, ये आप गलत पूछ रहे हो। अच्छा, ये बता रही है कि हमारे साथ बदतमीजी करी इन्होंने। अरे ठीक, मेरी सिगरेट पियो, गुटखा खाओ। जो कल घटना हो रही है, कल की शिकायत आ रही है कि साहब विवाद हुआ है आपके राइस मिल पे, इसमें क्या मामला है, पूरा मामला बताएं। ये हमारा अमन इंडस्ट्रीज पहले से हमारे कब्जे में थी, और हम ये लेकर के आए थे स्टे वहाँ से कि हमारे उसमें कोई दखलंदाज ना किया जाए, लेकिन अचानक ये रौला नाम का एक ठेकेदार है जो कह रहा था कि मैंने ठेका ले रखा है इसकी चौहद्दी बनाने का, तो मैं निकालने का, भागो यहाँ से निकलो, तो पुलिस भी आ गई। एक महिला थी वहाँ। बात हुआ है उस दौरान महिला से छेड़छाड़ अभद्रता हुई? नहीं, मैं जब वहाँ था कोई विवाद का स्थिति नहीं थी, ना कोई महिला थी। मैं तो जब पुलिस ने कहा तो मैं थाने चला गया। तो थाने कोई शिकायत की आपने? मैंने ये अपना वो दिखाया, और बाकी तो ये है कि जबर मारे रोल ना दे, मैं असली बात तो नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी कमजोरी है, और जिसकी लाठी उसका भैंस, ये पुराने मेरे बुजुर्गों का ये वो है, वो मेरे साथ घटना घट रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ, और बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ आपको बताने की स्थिति में नहीं हूँ। कब्जा क्या पहले से ही आपका था? पहले से चला आ रहा था कब्जा। तो क्या कुछ आपको आदेश उदेश मिला, कुछ आपका काम हुआ? हाँ, ये सिविल डिवीजन का है ये। ब्यूरो रिपोर्ट, UFT लाइव।